7-7:30 के दरमियान उन्होंने कायराना हरकत की है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और हमें ठेस पहुंचाने की कोशिश की, और ये बहुत शर्मनाक घटना घटी है और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। इसमें हमारे 4 से 5 जवान शहीद हुए हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल तकरीबन शाम को 7 बजे से एनकाउंटर लगा हुआ था, तो हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ यह एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी अपने इलाके में सूचना दी और साथ में सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग आज देशा में फैले हुए हैं। आज आर्मी का हम थैंक्स करते हैं कि जो आज भी पहाड़ों के ऊपर एक जाल बिछाते हैं। डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर, मतलब जहाज लेके देखे, चलते हुए देखे, हमने कहते नहीं, डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता है, डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। यस सर, काफी दहशत का माहौल हुआ है। यस सर, डोडा में सोमवार की शाम आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों के इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें 4 सेना के जवान शामिल थे और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था। आतंकियों के इस हमले में सेना की 10 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन ब्रिजेश थापा भी शहीद हुए। यह इनकाउंटर उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगल में आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने इसके बाद भागने की कोशिश की, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों और सेना के बीच 20 मिनट से अधिक समय तक फायरिंग होती रही। इस एनकाउंटर में कैप्टन ब्रिजेश थापा और 4 अन्य जवान घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार सुबह 5 जवान शहीद हो गए। डोडा में आतंकियों के हमले को लेकर डोडा के गांव में रहने वाले लोगों के बयान सामने आए हैं। डोडा के रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि कैसे हमला हुआ। आतंकी हमले को लेकर लोगों ने पाकिस्तान से बदला लेने की भी मांग उठाई। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ये पिछले 2-2.5 महीने से हर जगह पे जम्मू कश्मीर के अंदर इनकाउंटर्स चल रहे हैं। यहीं से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे आज से कम 10 दिन पहले इनकाउंटर शुरू हुआ था। वहां से वो ये पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठिया वहां से भागने का उन्होंने प्रयास किया और एक उरड़बग्गी नाम की जगह है वहां पर, वहां के जो लोकल्स हैं उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस एरिया में कुछ मूवमेंट है, और फौज जो है उन्होंने वहां पे अपना ऑपरेशन लगाया और उन्होंने कल लगभग 7:30 के दरमियान उन्होंने कायराना हरकत की है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और हमें ठेस पहुंचाने की कोशिश की, और ये बहुत शर्मनाक घटना घटी है और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। इसमें हमारे 4 से 5 जवान शहीद हुए हैं और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत शर्मनाक घटना है और कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्द हो सके इनका खात्मा किया जाएगा। देखिए, लोकल लोगों का अगर हम बात करें, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है, इनको उतना पता नहीं इस जगह का। मैं कहता हूँ कि लोकल लोगों का भी यहाँ इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना, एक अननोन जगह पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। छुपे हुए लोग हैं जो इनको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, इनको कुछ यहाँ का उतना पता है नहीं, और लोकल लोगों का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसमें। लोग बिल्कुल आज डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, और हम शुक्रगुजार हैं अपनी VDG का, इंडियन आर्मी का, JK पुलिस का, जिस तरीके से यहाँ हमें सुरक्षित और महफूज रखा है, और इनके लिए हम बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और हम आज थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन हमें अपने भारतीय सेना पर और अपने सुरक्षा बलों पर पूरा विश्वास है कि हम सतर्क और सुरक्षित। जी, सबसे पहले तो ANI का मैं स्वागत करता हूँ इस दूरदराज इलाके में, जो देसा क्षेत्र जिसका नाम बताया जाता है। यहाँ ऐसे तो 36 धारे राउंड में हैं, लेकिन आज जो घटना घटी है इसकी हम निंदा करते हैं। जो आज हमारे आर्मी के नौजवान साथी यहाँ शहादत दे के अपने अपने घरों के लिए अभी उनके शव जा रहे हैं, वो मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। देखिए, जो आज ये घटना हुई, ये कल तकरीबन शाम को 7 बजे से एनकाउंटर लगा हुआ था, तो हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी अपने इलाके में सूचना दी और साथ में सभी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग आज देशा में फैले हुए हैं। आज आर्मी का हम थैंक्स करते हैं कि जो
आज भी पहाड़ों के ऊपर एक जाल बिछा के हैं। दूसरा, यहाँ जो हमारे देसा के अंदर VDG है, विलेज डिफेंस कमेटी जो सरकार ने बनाई हुई है, वो भी हाई अलर्ट पे है, अलर्ट पे आज भी। और अभी भी VDG जो है अभी भी ये बता रहे हैं कि कभी हमें ऑर्डर दिया जाए तो हम आतंकवादियों को चुन चुन के और एक ढूंढ ढूंढ के निकाल कर उनका वो हम उनको उनके ऊपर काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो VDG है अभी विलेज डिफेंस में लगे हुए हैं, तो अभी तो फिलहाल आ रही है सिचुएशन वहां से कि क्या। इस वक्त अगर हम बात करें तो देसा के अंदर क्या सिचुएशन है, लोग किस तरह के रह रहे हैं, डर और खौफ में? बहुत बहुत ज्यादा खौफ में लोग हैं आज, बहुत डर में हैं कि कहीं दूसरी जगह ना घटना घट जाए। अभी जो वहां एनकाउंटर हो रहा है, क्या पता दूसरी साइड भी आ सकते हैं। ऐसे तो फोर्स लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन का हम थैंक्स करते हैं। अभी DIG साहब गई देसा में आए थे, उन्होंने भी उनके साथ ही हमारी डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इधर सारी बेल्ट फोर्स आपके आपके लिए यहाँ पे लगी हुई है। तो बाकी तो चल रहा है, अभी एनकाउंटर अभी भी शायद चल रहा है वहाँ पे। स्थानीय लोग वहाँ से अभी भी फोन कॉल पे बात कर रहे हैं कि एनकाउंटर चल रहा है। डोडा में हमले को लेकर डोडा की एक स्थानीय महिला ने भी कई खुलासे किए। महिला ने बताया कि हमले के वक्त उसने क्या देखा और कैसे अब डोडा में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा है। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर, उसके बाद अभी हुई है। सर, इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रहिए या कुछ ऐसा? यस सर। क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के टाइम पे। यस सर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो अभी आपने जो धमाके की क्या आवाज सुनी जब एनकाउंटर वगैरह? धमाके तो नहीं सुने हमने सर, लेकिन ये मतलब जहाज वे के देखे, चलते हुए देखे हमने, हम दूर रहते हैं तो हमने नहीं सुना। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो लेकिन मतलब क्या देखा, क्या अभी तक क्यों सुना है, क्या मोमेंट के बारे में सुना है, ये कितने यहाँ पे आतंकवादी होंगे? आतंकवादी तो सर कुछ भी नहीं सर, ऐसे क्या बोल सकती हूँ मैं, ऐसे कुछ भी नहीं समझो। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ भी नहीं सर, ऐसे मतलब कहते नहीं, डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता है, डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। यस सर। काफी दहशत का माहौल हुआ है। यस सर। मतलब क्या लगता है कि अमन अमान खराब कर दिया उन्होंने यहाँ आके? हमें कुछ इसके बारे में सर कुछ पता ही नहीं, और ना ही हमें कोई मतलब अपना कोई मतलब भेद देता है, ना ऐसे क्या बोल सकते हैं आप। मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका, कितना इधर सड़क वगैरह का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ। अच्छा, नहीं जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना जंगल, कितना जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है, जंगल बहुत बड़ा है यहाँ। जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब जंगल में आराम से छुप जाते थे हम, लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते, तो हमें कुछ डर नहीं था, तो नहीं हमें कोई किसी चीज का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है, बाकी हम पहले तो जाते रहते थे द्रमन में, जंगल जाते थे पहले, तो हमें किसी चीज का कोई खतरा नहीं था। टाइम्स नाउ भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।